गाइस तुम्हारा भाई खड़ा है सिग्नल पे और साइड में खड़ी है 112 पुलिस की गाड़ी और इनके पास है बुलेरो और तुम्हारा भाई के पास है MT-15। तो अब होने वाला है गाइस MT-15 वर्सेस बुलेरो पुलिस की गाड़ी। खा जा, इतना बड़ा मुनी है जितना बड़ा रसगुल्ला खा गई। हेलो गाइस, वेलकम टू साहिल भैया का एक चैनल। सही है ना? सही है, सही है। तो वो देखो सूरज मेरे पीछे कैसे आ रहा है, दिख रही हूँ ना मैं, है ना? तो आज व्लॉग स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। मेरा नाम है सहवाना। ये देखो साहिल भैया रसगुल्ला खा रहा है, ये देखो। कैसी लगी गाइस आज की व्लॉग की स्टार्टिंग? आज इसने करी है व्लॉग की स्टार्टिंग। दिखाओ रसगुल्ला, दिखाओ। अभी इसको पता है थोड़ा सा ना, फ़ोन पकड़ना नहीं आ रहा। हम खा रहे हैं गाइस रसगुल्ले खा रहे हैं हम, और सनसेट दिखा रही थी तू है। हाँ। अब देखो यार, है ना, प्यारा लगता है ना ऐसा सूरज ऐसा, है ना? हाँ। प्यारा क्यों लगता है ये पता? थोड़ा ये रोशन, मतलब धूप नहीं देता, बस दिखता है अच्छा अच्छा है। हाँ। इसके मैं थोड़ा पी कैमरा करके दे, पास करूँ कैमरा है? हाँ। ना दूर ही से रसगुल्ले खा लेने दे, तू बात कर ले इनसे। इतना पकड़ फोन, हाँ ऐसे ऐसे पकड़ो, दूर करो फोन और थोड़ा सा, हाँ ऐसे। अब बोल ले। मैं क्या बोलूँ इनसे, बस तुम्हें इतने रसगुल्ले खा लूँ, कर ले बात। देखो तो वैसे एक बार मैं फिनिश कर लेता हूँ, अपनी पैंथर खड़ी है नीचे, फिर चल रहे हैं पढ़ा ना, फिर करेंगे घूमी घूमी। आज मुझे इसकी पैंथर पे घूमना है, बहुत दिन हो गए घूम ही नहीं हूँ। अभी घुमाते हैं। रसगुल्ले खाता रहता है, हमसे तो पूछता भी नहीं है, खाएगी खाएगी का? अब पूछ रहा है, मैंने बोल दिया खाएगी तो बता। मीठी ज़्यादा है रसगुल्ले, थोड़ा सा नमक होना चाहिए था इनमें। अरे ऐसी तैसी चम्मच से आई नहीं रहा, हाथ से खा लेता हूँ। बाइक बाहर निकाल दी तुमने, बाइक बाहर खड़ी है, सूंघ नहीं लग रही जब भी निकाल दो। देखो वो खड़ी, अपनी पैंथर खड़ी है, रेडी है ना बिल्कुल। ये खा ले इसको, रस निकाल। जब रसगुल्ले में से रस ही निकाल देगी तो मजा ही क्या आएगा। मुझे ज्यादा मिल, हाँ पकड़ ले, गिरा मत दियो, खा जा। इतना बड़ा मुनी है जितना बड़ा रसगुल्ला खा गई। ज्यादा मीठा है ना, है ना? थोड़ा नमक होना चाहिए, नमक गिरो तेरे मुंह में। अब बोला तो जा नहीं रहा, कुछ बोल के दिखाओ आप। हेलो, राइड लेने में जाओ फिर। लेनी है राइड? मैं नहीं खा रहा, इसे नीचे ले चल। अरे नीचे ले चल प्लेट, ओए नीचे ले चल इसको, मैं खा ही लेता हूँ फिर बच जाएगा। और ना मीठे ज्यादा गाइस यार, गंदा। मैं गंदा हूँ? खुद को देख, तेरे मुंह देखियो। जल्दी चल, गोप्रो को दिया चल, मैं लेकर आ रहा हूँ गोप्रो। इधर इधर, अरे इधर थोड़ा साइड हो, इधर हो, पीछे हो, पीछे इधर हो। हाँ अच्छा, पास पैंथर दिख रही थी जब, अब दिख रही है। तो चलो गाइस आ जाओ, इसको राइड पे चलते हैं। पता कहाँ पे चलेगी, मतलब मेरे साथ दूर चलेगी? पास पास दूर तो मैं तेज चलाऊंगा फिर, कोई दिक्कत ना, सुख लेंडी सी उड़ जाएगी तो आज। एक मिनट जोहरा, ओके उठा।
दिखा था ना, तो कैसा लगा घूम के बता कर, जल्दी जल्दी जा। अच्छा लगा एकदम झकास, पर दूर तक ना घुमा के लाया झकास। कैसा लगा अम्मा? अच्छा लगा। अब अंदर जा, हेलमेट रखा, गोप्रो रखा, अरे बस गोप्रो रखा, ओवरहेड मत कर, अरे अंदर गोप्रो रखा, हेलमेट रखा, लेकर जाओ दौड़ दो जल्दी ला। चलो भाई अपन चलते हैं, घूमी घूमी करना है ना, चमक रही है ना बढ़िया। मैंने कहा इसको ना घने दिन से नहीं धोया, फिर भी ऐसे चमकती है, एक नंबर। देखो यार जिसका ना मतलब रोड प्रेजेंस बहुत प्यारा है, मतलब दूर से कुछ दिखता है ना तो ऐसा लगता है क्या चीज़ आ रही है, बिल्कुल चीते की तरह। अम्मी बैठी आंटी से बात कर रही है, चलो अपन चलते हैं ना। लो भाई गाइस आ गए अपन अपने कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन। यार ये थोड़ा छोटा लिखवाया ना मैंने, साहिल 5 ब्लॉग है ना, थोड़ा छोटा है ना, इसको थोड़ा बड़ा करवा के लाएंगे, किस दिन चलेंगे, ये दिखता ही नहीं है वीडियो में मैंने। अब देखो भाई R15 V3, हेलमेट देखो कैसे पहन रखा कंपनी वाला। काफ़ी भाइयों को नहीं होता यार शौक, वो बस बाइक ले लेते हैं और नॉर्मली। ये जो पुलिस वाला अंकल है ना, वो सोनू है ना, सोनू KTM थी जिसके पास, अब MT ले ली उसने, उसके मामा मामा हैं ये, मामा मामा नहीं है, मामा ही है। ब्लोहॉर्न भाई पता है, जब मैं ना स्पीड में चल रहा होता हूँ और यूं लेके यूं कट लेता हूँ ना, मतलब ऐसे होता है ना जैसे मुझे यूं यूं लेके यूं कट लेनी है, तो जो ये जो कर्व होता है ना इसमें मैं काफ़ी बार पता है गियर शिफ्ट करता हूँ, तो भाई मुझे डर लगता है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था ना कि मैं जैसे ही गियर शिफ्ट करता हूँ ना तो पैंथर एकदम से रॉकेट की तरह लॉन्च होती है भाई, टायर हल्का सा स्किट होता है और उस हल्के की जगह ज़्यादा स्किट हो जाए पता चले तुम्हारा भाई बढ़ गई रेल। बट हर एक चीज़ सोच समझ, देखो अभी मैंने दूसरा गियर लगाया ना भाई, टायर स्किट हुआ, पता ही नहीं क्या ही चक्कर है, रॉकेट बनने को डोल रही है कहीं। वैसे यार एक बात बताऊँ, मुझे जैसे आप कोई गाना वगैरह सुन रहे हो, कुछ रील वगैरह अपलोड किए, स्टोरी लगाई है, उसके बाद आप बाहर जा रहे हो, आपको एक घंटा हो गया, फिर वही गाना रील और स्टोरी का गाना आपके माइंड में आता है, जैसे भाई मेरे माइंड में तो आता है, आज मैंने स्टोरी लगाई, मतलब आविद की शादी हुई थी परसों, तो मैंने एक फ़ोटो थी उसके साथ मैंने स्टोरी लगा दी, मेरे यार की शादी है, अब मेरा माइंड में वही आ रहा है मेरे यार की शादी है। भाई आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये बताओ, मैं भाई अलवर का रहने वाला हूँ, और अलवर में भाई जो ये लाइटनिंग लग रही है ना रोडों पर, देखो ये जो ये लाइट लग रही है ना पिलर्स पे, ग्रीन वाइट और ऑरेंज, भाई अपने फ्लैग से रिलेटेड जो फ्लैग का कलर होता है वही कलर इनमें दिया गया है, भाई ये कैसी लग रही है देखो भाई, पूरे अलवर सिटी में लग रही है ये लाइट्स, और मुझे बहुत प्यारी लगती है, और आपको कैसी लगती है भाई कमेंट कर देना, बहुत प्यारी लग रही है, किस दिन दिखाऊंगा मैं आपको, दूसरे रोड पर दिखाऊंगा, यहाँ तो ख़त्म होगी भाई, काफ़ी जनों के चुल्ल होती है ना जो तोड़ जाते हैं नीचे से, तो काफ़ी जने तोड़ गए इसको, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे बुझ गई, वरना पहले पूरे अलवर में लग रही थी ये लाइट, पूरे अलवर में बत्ती लग रही है, कि मैं तो निकालने वाला था यार। ओहो 16 सेकंड बच रही है, फिर 75 है या फिर 14 है, अभी पता लगेगा कितनी है कितनी नहीं है, 11, 10, ओह 70 थी ये तो। भाई ये लाइट वाली चीज़ तो मैंने आपसे कल भी पूछी थी, पर मैं बता तो रहा हूँ, मैं जब जब देखता हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आ जाता है माइंड में। यार मैं सच बताऊँ, एक तो अलवर में एक ही रोड है इस साइड से उस साइड जाने वाला, एक वो है जो बाहर की साइड से है, तो भाई ये रोड है इस पर इतनी तो बत्तियाँ हैं, 4-5 बत्तियाँ हैं, 1-2 किलोमीटर लंबा रोड है, इस पर 4-5 बत्तियाँ हैं, तो यार मैं कितनी देर वेट करूँ, अब देखो फिर से बत्ती लग गई और मेरे बगल में खड़ी देखो 112 43, रुक जाते हैं वरना यार ये 112 बड़ी जल्दी चालान काटती है। गाइस तुम्हारा भाई खड़ा है सिग्नल पे और साइड में खड़ी है 112 पुलिस की गाड़ी, और इनके पास है बुलेरो और तुम्हारे भाई के पास है MT15, तो अब होने वाला है गाइस MT15 वर्सेस बुलेरो पुलिस की गाड़ी, और भी काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं, तो भाई अब रेस लगने वाली है भयंकर वाली, 10 सेकंड बच रही है, सॉरी 14 सेकंड बच रही है, तो पुलिस वाले के सामने भगाऊंगा, देखते हैं चालान आता है नहीं आता घर पर चालान क्यों आएगा, स्पीड ही तो भगाऊंगा, स्टंट थोड़ी कर रहा हूँ। बाकी यार देखो बगल में ही खड़ी 112 ये ना ऑनलाइन चालान कर देती है, तो चलो खुल गई बत्ती, खींचते हैं मीटर। बाय बाय पुलिस वाले अंकल। थार जा रही है भाई खींच के देखो, ओ थार ने लगाए खड़े ब्रेक और अपन ने करा इसको ओवरटेक, ये लो भाई पुलिस वाले को अंकल को छोड़ दिया अपन ने 1 किलोमीटर पीछे।
भाई पहले जब थार जब लॉन्च हुई थी ना ये वाली, तो पहले पता है तुम्हारे भाई को ये अच्छी लगती थी रेड कलर में, बट अब ना ब्लैक कलर में ये अच्छी लगती है। गाइस यार एक चीज़ और, तुम्हारे भाई ने न्यू अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम का, मतलब बैकअप अकाउंट सेकंड अकाउंट बनाया है, तो भाई उस पर जाकर फॉलो करो साहिल 5722 व्लॉग्स। अगर आप इंस्टा पे मुझे सर्च करते हो तो दो आईडी आएंगी, साहिल 5722 व्लॉग्स और एक और आएगी साहिल 5722 व्लॉग्स भी है उस पर नाम, और ऑफिशियल साहिल खान 111 भी है। तो आप कोई सी भी आईडी को फॉलो मार सकते हो, पर मैं तो कहूँगा कि भाई दोनों आईडीज को फॉलो मारो क्योंकि दोनों आईडी तुम्हारा भाई की है, ठीक है। तो भाई चलते हैं भाई, जो वो है ना एग्जॉस्ट वाली गाड़ी जा रही है आगे, वो थोड़ी सी आगे निकल गई अपन से, वरना इतनी देर में कर देते इसको। भाई जो आप नई आईडी बनाई है ना उस पर ना सार हर तरीके की वीडियो मिलेंगी आपको, और जो पुरानी वाली आईडी है ना मेरी, मतलब वो जो रियल आईडी ऑफिस साहिल खान, उस पर बस आपको ना मतलब बाइक से रिलेटेड मिलेंगी, ज़्यादातर बाइक से रिलेटेड मिलेंगी, ठीक है। तो भाई आ गया अपन मोती डूंगरी, अमन वगैरह भी यहीं आए पड़े, मेरे पास कॉल आया था कि यार आज तो आया नहीं है और मैं आ गया, तो अमन की वजह से आया हूँ मैं, वरना मैं आज नहीं आ रहा था। भाई बताऊँ, सच बताऊँ, मैं ना व्लॉग बनाने ना मतलब राइड करने में दिन में भी निकल सकता हूँ, पर भाई मैं दिन में जब निकलता हूँ ना इतनी गंदी धूप पड़ती है ना गाइस, मैंने बाइक निकालता हूँ ना, हट जाओ, मैं ना बाइक निकालता हूँ ना तो भाई बाइक निकालते ही पसीना आ जाते हैं। मिल गए गाइस अपने लड़के, मिल गए अपने लड़के, मिल गए, देखो। अरे बिग फैन भैया, बिग फैन भैया। ओके ओके ओके, फोटो चाहिए या फिर लपड़ चाहिए? मैं ये कह रहा था तुम मंदिर में आए थे भैया, फोटो भैया फोटो। अरे यार तुम मंदिर में आए तो प्रसाद उरसाद दो यार, तुम यार तुम यार प्रसाद खाने दो यार, लाओ प्रसाद दो, तुम दोनों हाथों से लेते हैं ना, लाओ। वैसे प्रसाद में क्या है? लड्डू है लड्डू। मैं क्या कलाकंद वलाकंद होते तो मजे ही आ जाते। बस बस अभी मैं रसगुल्ले खा गया हूँ, इतना ही मीठा बहुत है। एक फोटो ले दो ना, एक फोटो ले दो भाई काली दी गैंगस्टर के साथ। गाइस अपने साथ चल रहा है अमन, और अभी हम एक चैलेंज करने वाले हैं, मतलब एक हाथ से गाड़ी चलानी है और एक हाथ से घर तक जाएंगे और एक हाथ से रेस लगी है। अब मैं तो भाई गियर शिफ्टिंग भी एक यहाँ से करूँगा, क्लच वगैरह तो यूज़ करनी नहीं है, तो एक हाथ से वो भी एक हाथ से वो स्कूटी चलाएगा और हमारी रेस लगी है, ठीक है। एक हाथ से रेस है, घर तक की रेस है, ठीक है। उसके पास SS125 है और मेरे पास अपनी पैंथर है, चलो आराम से चलानी पड़ेगी, हाइपर राइड तो करनी चाहिए, तो लहरा ही रहा है गंदे तरीके से। अरे यार एक हाथ लगा लो चाहे दो हाथ लगा लो चाहे तीन लगा लो, जीतना तुम्हारे भाई को ही है, मतलब दूसरा हाथ बिल्कुल यूज ही नहीं करना, जो करना है एक हाथ और पैरों से करना है। इसके पास मौका है, मौका दे रहा हूँ, अगर निकल गया तो निकल गया, बाद में नहीं निकल पाएगा। और रेस गाइस पुड़िया पार तक की है, पुड़िया पार से थोड़ी सी आगे तक, देखो ये बार इसको आगे भेज देते हैं वरना सोचेगा मौका ही नहीं दिया बिल्कुल भी। अभी आगे चल रहा है ना वो, देखो हाथ उठा रहा था, चीटिंग कर रहा है। फिलहाल भाई इसको आगे जाने दे रहे हैं, बच्चे को खुशी होनी चाहिए ना कि मैं जीत रहा हूँ, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए रेस स्टार्ट होते ही मैं हार रहा हूँ। भाई मैं थर्ड गियर में ही चला रहा हूँ क्योंकि इतनी भगाऊंगा, 90 के आसपास जाती है थर्ड गियर में, तो इससे आगे तो भगाऊंगा नहीं मैं। ओ भाई ये तो आगे से कट मारेगा तो मैं तो हार ही जाऊँ भाई। यार इसमें रिस्क है, तो आगे वाला ब्रेक यूज कर रहा है, आगे वाले स्कूटी फिसलती बहुत जल्दी है, ले लो वरना हार जाएंगे। कोई नहीं यार, हार जाएंगे तो क्या हो गया। जीत गए गाइस अपन, जीत गए, जीत गए। अपन विनर हो चुके हैं गाइस। पूरी कोशिश करी थी, पूरे कट मारे कहां से, मगर यार सीसी का फर्क पड़ जाता है। और नुके एक डर हो रही है, नुके नुके ब्रेक लगा दिया तो गिर जाएंगे। चलो ठीक है गाइस, आपसे घर मिलते हैं। तो गाइस देखो अभी मैं व्लॉग एंड करने के लिए उठ
उठ कर आई हूँ, ये बोल रहा था आज तू व्लॉग एंड करेगी। मैंने कि हाँ आज मैं कर दूंगी स्टार्ट, मैंने किया तो मैं ही एंड कर दूंगी। देखो मैं यार मेरे बाल कैसे बोले टेढ़ी चुटिया हुई पड़ी है यार, मेरे बाल भी कैसे पड़े है। टेढ़ी चुटिया नहीं हुई पड़ी थी, दो दो चुटिया हुई पड़ी थी ये बार। अच्छा खोल ली नीचे वाली चुटिया तूने है ना, एक चुटिया इसने यहाँ पर, ये एक बार दिखाइए, एक चुटिया इसने यहाँ पर कर रखी थी और एक यहाँ पर कर रखी थी। गाइस गर्मी लग रही थी बहुत बुरी, गर्मी पड़ रही आपको तो पता ही है। अगर आपको नहीं याद है, नहीं कुछ भी नहीं पता तो आप सब्सक्राइब करके उसमें लिख देना अब मुझे नहीं लग रही गर्मी। गाइस मेरे बाल को तो आपको पता ही होगा, मेरे बाल नहीं हो रही है मतलब दुकान के नीचे ज्यादा नहीं उतरा रही है। गाइस देख मेरे बाल कैसे भी पड़े और मैं तो खुद ही सूखली हुई पड़ी। देखो एक बुटका की आप नाप सकते हैं, एक बुटका की मैं नापूं। तो गाइस आज ना ये वीडियो में कम आया है, बस ज्यादा मैं ही आई हूँ तो आप तो देख ही लेते हो वीडियो, आप तो देख ही लेते हो, प्लीज एक सब्सक्राइब भी कर देना। हाथ नहीं जोड़ने वाली मैं, जोड़ तो दिए तूने हाथ, ठीक है गाइस टाटा बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ड्राइव सेफ एंड हां। तो गाइस एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपको जितना मन करे लाइक कर देना। और आपको व्लॉग की नहीं पता तो मैं बता देती हूं, साहिल 5722 का व्लॉग और नीचे वाले क्लिक बटन दबा देना, ठीक है। और बेल आइकन देखो, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो मैं इस पर गिर जाऊंगी, आपने कर दिया मैं गिर गई। देखो आपको जादू एकदम कमाल कर देता है, आपने फोन वाला जादू तो देखा होगा। अब चुप, अब चुप, अब चुप, अब चुप, बाय, गुड नाइट, बाय।